हमने माइक्रोस्कोप पढ़ी थी, उससे आगे टेलीस्कोप पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये बता रहा है, एक फिगर है डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm। ये कह रहा कोई भी एक फिगर है, उसको स्क्वायर में डिवाइड कर लिया, इस तरह से स्क्वायर बना रखे हैं, ठीक है। इनका साइज क्या स्क्वायर का, ऑफ 9 cm थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रखा है, इससे 9 cm पे, यहाँ से हम इनको देख रहे हैं और ये सारा स्क्वायर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये जो तो हमने निकालना है, क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। एक तो निकालना है मैग्निफिकेशन, दूसरा क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन के साथ में ये बताना है हाउ मच एरिया ऑफ ईच स्क्वेयर, हाउ मच एरिया ऑफ ईच स्क्वेयर इन द वर्चुअल इमेज, इन द वर्चुअल इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो भी इमेज बनेगी ना, उसमें ईच स्क्वेयर का एरिया कितना होगा। एट प्रेजेंट तो एक स्क्वेयर का एरिया इतना है 1 mm स्क्वेयर, लेकिन जो इमेज बनेगी उसके अंदर इसका एरिया कितना होगा ये बताना है, ठीक है। दूसरा ये बताना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट बताना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर इसको मैग्निफाइंग पावर भी कहते हैं, मैग्निफाइंग पावर, ठीक है। और फिर ये पूछ रखा है मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर इक्वल होती या नहीं होती हैं, ये पूछ रखा है मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर तो है ना एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो ये तो सिंपल मैग्निफिकेशन है। तो फिर ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर वो इक्वल है या नहीं है, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर, कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हम, इसके अंदर हमें एरिया दे रखा है, जो भी साइज दे रखा है, साइज का मतलब एरिया दे रखा है, ये ईच स्क्वेयर छोटे छोटे स्क्वेयर बता रखे ना, उनका एरिया दे रखा 1 mm स्क्वेयर, ठीक है। इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 9 cm पे, और लेंस से ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस का होता है, तो जो भी कुछ दे रखा है इससे हमारे पास यू की वैल्यू कितनी है, -9 cm, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेंस से हमेशा इधर रखना है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस इसलिए इसकी फोकल लेंथ होगी प्लस की, है ना, प्लस की होती है, कनकेव की माइनस की होती है, मैंने बता रखा है, तो इतनी होगी। इस पे लेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो थिन लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस में 1/U इज इक्वल टू 1/F। अगर हमने V की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि U की तो गिवन है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर मैग्निफिकेशन निकाल लेना, और मैग्निफिकेशन होता है V/U, तो U तो गिवन है ही, ये V चाहिए, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो हम ऐसे लिख लेंगे 1/F, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1/U। इनकी वैल्यू पुट कर दो, F की वैल्यू कितनी है 10, U की वैल्यू कितनी है -9, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/9। इसको हम सोल्व कर लेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/90 आ गया, माइनस का 1/90, इसको सोल्व करेंगे जितना आएगा, तो 1/V इक्वल टू इतना आएगा,
यहाँ से वी की वैल्यू माइनस 90 आ गई, यहाँ से सोल्व करेंगे तो वी की वैल्यू ये माइनस का है माइनस 90 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या था, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सिंपल होता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया माइनस 90, डिस्टेंस ऑफ इमेज इतना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 9 है, इससे काटेंगे 10 आ गया, तो मैग्निफिकेशन 10 आ गई। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रखा था, हाउ मच एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज, इसकी जो इमेज बनेगा ना ईच स्क्वायर की उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे तो एरिया इतना है और इसका मैग्निफिकेशन कितना आ गया 10, उसका एरिया भी 10 टाइम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का एरिया था उसका 10 टाइम हो जाएगा, इतने टाइम ये मैग्निफिकेशन कर रही है। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 1 mm स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm स्क्वायर मल्टीप्लाई किया कितना गया 10 mm स्क्वायर, तो इमेज का साइज इतना गया। ये 10 का भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्यों आएगा देखो, क्योंकि इसने इसको मैग्नीफाई किया तो इसकी एक साइड को मैग्नीफाई किया है, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है, लीनियर का मतलब एक साइड को, और ये तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की एक साइड को 10 टाइम्स कर दिया, तो स्क्वायर की इस साइड को 10 टाइम्स कर दिया तो ये भी 10 टाइम्स करेगा, तभी तो स्क्वायर की बनेगी इमेज। तो एरिया ये 100 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स, तो इसका एरिया वो 10^2 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब 100 टाइम्स, तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर इतना एरिया हो जाएगा इमेज का। ठीक है, फिर पूछ रखा था एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर हमसे पूछे तो ये आएगा फिर मैग्नीफाइंग पावर, या फिर इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला डी बाई यू होता है, ये याद रखना है, डी बाई यू। डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, और इसका हम मॉडुलस लेंगे। ठीक है, मॉडुलस होता है मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, और यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका प्लस लेंगे तो इतना आ गया मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूछ रखा था एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम होते हैं क्या, तो चलो देखो फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होती है नहीं होती है। तो मैग्निफिकेशन हमने निकाली थी, इतनी आई मैग्निफिकेशन आई 10, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई 25/9, तो ये इक्वल तो नहीं है। वैसे पूछ रखा था क्या ये इक्वल होती हैं, तो हर टाइम इक्वल नहीं होती, कब इक्वल हो सकती हैं, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बने, जब फाइनल इमेज ये बनाएगा वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी, तो फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी तो यहाँ पे भी वी की जगह 25 आ जाएगा, है ना 25, तो 25/9, और यहाँ पे भी 25/9। तो अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होती है, नहीं तो इक्वल नहीं होती। ठीक है, ऐसा था क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टेलीस्कोप करते हैं, आज ये टॉपिक खत्म करना है। इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप पढ़े हैं, माइक्रोस्कोप का मतलब दीज आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी माइक्रो ऑब्जेक्ट, माइक्रो का मतलब छोटे। ठीक है, अब टेलीस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप का मतलब, टेले का मतलब दूर होता है ना, टेली कम्युनिकेशन, टेलीस्कोप, टेलीफोन, टेले, टेले का मतलब दूर है ना। इनको हिंदी में अगर कन्वर्जन करेंगे ना तो टेलीफोन को दूरभाष कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन, दूरदर्शन, इस तरह से दूर की चीजें देखने का मतलब है ना। तो टेलीस्कोप क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट, जो हमसे ज्यादा दूर डिस्टेंस पे है वो ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है टेलीस्कोप। ठीक है, तो टेलीस्कोप भी उसी तरह से हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बने,
तो क्या आएगा मैग्निफिकेशन, एक इन्फिनिटी पे अपने इमेज, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा। तो टेलीस्कोप दो टाइप की हैं, एक तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग तो वो जिसके अंदर लेंस का यूज हो, है ना, लेंस के अंदर से हो सकता है रिफ्रैक्शन, तो मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ले जा सके। और रिफ्लेक्टिंग कौन सी होगी, जिसके अंदर मिरर हो, मिरर मिरर, ये इस तरह से होंगे। मिरर की नोटेशन ये होती है, इस तरफ से पॉलिश कर रखा होता है ना, यानी कि मिरर हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है। तो दो टाइप की टेलीस्कोप को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूजेस लेंस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मेक यूज ऑफ मिरर, इसके अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन। और कई बार इनमें कंपैरिजन पूछ लेते हैं, कौन सी अच्छी टेलीस्कोप है, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अच्छी टेलीस्कोप है। क्यों है, क्योंकि इसमें इमेज है वो गुड क्वालिटी की बनती है, इसमें इमेज है वो गुड क्वालिटी की बनती है। क्यों बनती है इसमें इमेज गुड क्वालिटी की, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से इमेज बनाएंगे ना, तो इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की लाइट इसके अंदर से पास हुई, फिर इमेज बनेगी, तो कुछ इंटेंसिटी तो इसके अंदर ही रह जाएगी, उस लाइट की इंटेंसिटी को तो ये ऑब्जर्व करके कम कर देगा, तो इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, फेड होगी, धुंधली होगी। लेकिन जब इससे इमेज बनाएंगे, तो इधर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइट रे आई, और ये जितनी लाइट रे उसी सारी को रिफ्लेक्ट कर देगा, मिरर कभी लाइट रे को ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि लाइट रे इसके अंदर से पास ही नहीं होती, ये तो रिफ्लेक्शन करता है। तो जैसी लाइट आई वैसी उतनी उतनी रिफ्लेक्ट कर देगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखाएगा, हाई क्वालिटी की इमेज बनती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट इसका फायदा ये है कि मिरर बनाने के लिए, क्योंकि तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाएंगे तो लेंस बनाने पड़ेंगे पहले, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाएंगे तो मिरर, तो लेंस अगर बनाना है तो जो भी इसका मैन्युफैक्चर करेगा ना, लेंस पहले बनाएंगे, तो लेंस बनाने में जो भी खर्चा आएगा वो, तो लेंस को मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा एक्सपेंडिचर आता है और इसको बनाने में कम आता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि लेंस अगर बनाएंगे ना, तो लेंस कनकेव या फिर कन्वेक्स दोनों तरफ से रबिंग करनी होती है इसकी, है ना, दोनों तरफ से स्मूथ बनाना होता है लेंस को, तो यहाँ से तो दोनों तरफ स्मूथ बनाने का खर्चा आएगा। अगर मिरर बनाना है तो मिरर को तो एक तरफ से स्मूथ बनाना है, दूसरी तरफ से चाहे कैसा भी हो, दूसरी तरफ से तो पॉलिश करनी है, तो लेंस बनाने में ज्यादा खर्चा आता है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ये चीप है, सस्ता है, ठीक है ना, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेटर है, इमेज भी अच्छी बनती है और खर्चा भी अच्छा आता है, इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, तो टेलीस्कोप हम कौन सी पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होती है, जो हेवनली बॉडी को देखने के काम आती है, लाइक स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, ठीक है, तो इसको कौन सी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके हम दो केस पढ़ेंगे, कौन से दो केस, फर्स्ट तो वही है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट ए लिस्ट डिस्टेंस, इमेज फॉर्मड एट लिस्ट डिस्टेंस को ऐसे लिख दो क्या, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, व्हेन इमेज फॉर्मड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना। और टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने काम आती है ना, टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने काम आती है, माइक्रोस्कोप पास की चीजें देखने काम आती है, तो ये माइक्रोस्कोप से उल्टी है बिल्कुल, माइक्रोस्कोप से जस्ट अपोजिट। कैसे जस्ट अपोजिट, माइक्रोस्कोप में तो हमने ये पढ़ा था कि पहले वाला लेंस छोटा होता है और दूसरे वाला बड़ा, लेकिन इसमें उल्टा है, पहले वाला लेंस तो बड़ा होगा और दूसरे वाला छोटा, उल्टा उससे। माइक्रोस्कोप में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लेंस छोटा होता है, दूसरा बड़ा, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल, इसकी लार्ज, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो फर्स्ट लेंस है वो बड़ा होगा और दूसरा लेंस छोटा, है ना, अपोजिट है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से अपोजिट है बिल्कुल, माइक्रोस्कोप पास की चीजें देखने काम आती है, दूर की चीजें, ठीक है। फिर हमसे कोई यही पूछ लेगा, ये फर्स्ट वाला लेंस है ना, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसको आईपीस कहते हैं,
ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा क्यों लेते हैं, लार्ज फोकल लेंथ का क्यों लेते हैं, ये पूछ लेगा हमसे कोई, और ये पूछ लेगा तो हम इसका जवाब देंगे। चलो देखो फिर इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं, कि फर्स्ट लेंस है वो बड़ा होगा, कन्वेक्स लेंस, दूसरा लेंस वो छोटा होगा, तो फर्स्ट लेंस बड़ा क्यों होगा, क्योंकि इधर से ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लार्ज डिस्टेंस पे। हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ लें, दिस इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी हेवनली बॉडीज लाइक सन स्टार सैटेलाइट, हमारे से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं इसका मतलब इन्फिनिटी पे है वो, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, और इन्फिनिटी पे है तो उनसे लाइट आएगी, और उनसे लाइट आएगी अगर छोटा लेंस लेंगे तो थोड़ी लाइट ही उसके ऊपर आएगी, बाकी लाइट तो साइड से निकल जाएगी। अगर उस ऑब्जेक्ट की अच्छी इमेज बनानी है तो बड़ा लेंस लेंगे ताकि ज़्यादा लाइट इसके अंदर आए, और ज़्यादा लाइट इसके अंदर आएगी तो अच्छी इमेज बनेगी, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एक गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज फोकल लेंथ का लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने, यहाँ पे एक छोटा लेंस बनाएंगे स्मॉल फोकल लेंथ का, छोटा लेंस बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे, पहले डायग्राम इधर से स्टार्ट करते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि स्टार्टिंग में ही दोनों लेंस नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर इमेज की जो लाइन लाइट रे जाती है वो एग्जैक्टली उस पर मिले ना मिले, इसलिए यहाँ से लाइट रे बना के फिर उसके आगे बनाएंगे लेंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट है दूर, और दूसरे दूर से लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है, दूर से लाइट रे आती है वो पैरेलल, क्योंकि किसी भी स्टार को देखना तो स्टार के अब तक कितनी दूर है, अननोन डिस्टेंस पे है, और इन्फिनिटी से अननोन डिस्टेंस से जब ये लाइट आएंगी पैरेलल आएंगी। चलो ठीक है, फिर ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। लाइट रे ऊपर से लेके आ सकते हैं पैरेलल, पर ऊपर से नहीं लेंगे, ऊपर से लेके आओगे ना लाइट रे तो यहाँ पे इससे बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा लेंस छोटा होना चाहिए, तो इसलिए लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना इसके पास से लेके आएंगे, तो लाइट रे इसके पास से और लाइट रे पैरेलल आएंगी। ठीक है, पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइट रे है कहाँ से, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट का मतलब दूर। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी से तो पैरेलल लाइट रहेंगी, तो ये दो पैरेलल लाइट रहेगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रह जाती है वो कभी बेंड नहीं होती, ये सीधी जाएगी, ये कभी बेंड नहीं होती, और ये वाली बेंड हो जाती है तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, इस तरफ बेंड हो जाएगी, और इस तरफ बेंड होगी तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो इधर कोई दूर ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे बना लेते हैं, है ना, ए भी कोई ऑब्जेक्ट था, ए भी कोई ऑब्जेक्ट, ये था कहाँ पे, ये इन्फिनिटी पे था, U की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, इसलिए पैरेलल लाइट रे दिखाई है, तो यहाँ पे इमेज बन गई, तो इसकी इमेज बनी है तो इसको नाम दे देते हैं हम ए डैस बी डैस। ठीक है, और अब इसके आगे लेंस बना दो, है ना, अब इसके आगे लेंस, अगर ये लाइट रे हम ऊपर से ले लेते ना, ऊपर से ले लेते तो ये लाइट रे यहाँ पे आती, और यहाँ पे आती तो इसके लिए लेंस और भी बड़ा बनाना पड़ता, वो गलत हो जाता, तो लाइट रे ऊपर से नहीं लेनी, प्रिंसिपल एक्सिस के पास से लेनी है यहाँ से। ठीक है, तब लेंस बना देते हैं, इतना लेंस बना देते हैं, जितना नीचे है उतना ही ऊपर, एग्जैक्ट होना चाहिए बिल्कुल, और ये गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि डायग्राम पेंसिल से बनाना चाहिए, अगर गलती होगी तो फिर साफ करके सुधार सकते हो, पेन से बनाओगे तो गलतियां दिखेंगी, है ना, इसलिए डायग्राम पेंसिल से बनाने चाहिए, बाकी कोई रूल नहीं है, पेंसिल से बनाओगे पेन से बना सकते हो, डायग्राम बनाना है, पेन से बनाने में गलती होगी तो साफ दिखेगी, रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो ये लाइट रे इधर गई, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, हमने इमेज कहाँ पे बनानी है, एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर मैंने ये बताया था कि अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की इमेज इधर बनेगी और इधर बनेगी, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से एक लाइन पहले लगा लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस, इसके ऑप्टिकल सेंटर को ई से डिनोट करते हैं, ई से, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से और इसको टच करते हुए एक लाइन लगा लेंगे, क्योंकि ये लाइन इमेज से ही आती है, इमेज जो इसके ऊपर एंगल बनाएगा ना वो बीटा बनाएगा, तो
ये लाइन हम पहले ही लगा लेंगे। अब हमारी मर्जी है इमेज को यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, ये सारे लिस्ट डिस्टेंस ही, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ी खुली जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पे बना लिया हमने इमेज। इमेज तो वहां पे बनती है जहां पे दो लाइट रे मिलेंगी, इन दोनों लाइट रे को मिला दो इधर, इन दोनों लाइट रे को हम इधर मिला देंगे, तो इधर मिला दिया हमने, लेकिन एक्चुअल में तो ये लाइट रे जाएंगी इधर, ये लाइट रे इधर जाएंगी, इधर इधर से हम देख रहे हैं, ये आई है, इधर से हम देख रहे हैं, और इधर से हम देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है ये लाइट रे आगे तो मिलेंगी नहीं, है ना, आगे तो दूर दूर जा रही है तो आगे नहीं मिलेंगी, तो इसलिए पीछे मिलेंगी, और पीछे मिलाई तो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना, तो इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, रियल है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, क्योंकि रियल तो इधर बनती और इधर तो दूर दूर जा रही है लाइट रे, डाइवर्ज हो रही है, तो इधर नहीं बन सकती दोनों लाइट रे, इधर तो मिल ही नहीं सकती, पीछे मिलेंगी, तो यहाँ पे बन गई इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी ए डैश बी डैश, और इसकी इमेज यहाँ पे बनी, तो इसका नाम क्या दे देंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, इसने बनाई है फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज इस पे जो भी एंगल बनाएगी वो बीटा एंगल, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंगल ये इधर बना रहा ना, और ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा यहाँ पे अल्फा, ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा अल्फा। वैसे तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का एंगल भी उसी लेंस पे बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये भी इस पे बनाएगा एंगल, इस पे यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा पजलिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने ये की ट्रायंगल नीचे बना दी, ये ए बी, और ये जाके ई पे मिलेगा ना, तो ई पे, लेकिन टेलीस्कोप के केस में हम ऐसा नहीं कर रहे, टेलीस्कोप के केस में हम अल्फा एंगल यहीं पे बना रहे हैं, उसके साथ नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, इसलिए नहीं बना रहे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से यहाँ पे एंगल बना लो तो यहाँ पे बना लो, सेम एंगल बनेगा, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है इसलिए एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एंगल बनेगा, यहाँ पे बना लो चाहे यहाँ पे बना लो, इसलिए यहीं पे बना लिया, ये अल्फा है तो इसके अपोजिट का ये एंगल भी अल्फा है ना, ये दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल बीटा हो गया, ये ट्रायंगल ले लेंगे बीटा के लिए, ये एंगल अल्फा हो गया, ये ट्रायंगल ले लेंगे टेंजेंट अल्फा के लिए, मैग्निफिकेशन निकालनी है, निकाल दो, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे, तो ये इमेज किसकी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखो इसकी इमेज यहाँ पे बनी, इमेज का डिस्टेंस वी होता है, ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस है तो पी ओ, ठीक है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है यू, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है यू, और आई पी से है तो यू ई, और इसकी फाइनल इमेज बनी यहाँ पे, इसकी फाइनल इमेज यहाँ पे, और फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी है, लिस्ट डिस्टेंस पे, तो फाइनल इमेज किसने बनाई, इसने आई पीस ने, और ये कहां, सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, देखो बीच में वो इस चली गई थी, देखो मैं ये बता रहा था कि इसने फाइनल इमेज बनाई यहाँ पे, तो इमेज का डिस्टेंस तो वी होता है, इसने बनाई आई पीस ने, तो आई पीस ने तो वी ई,
और ये लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है ना, लीस्ट डिस्टेंस पे तो डी पे, इसको 25 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, तो करना क्या हमने, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता हमें, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी थी हमने उसके दो केस, उसमें भी यही फॉर्मूला लगा था। कंपाउंड माइक्रो उसमें भी यही फॉर्मूला लगा था। टेलीस्कोप पढ़े इसमें भी यही फॉर्मूला लग रहा है। ये फॉर्मूला तो कोई भूलना नहीं चाहिए। ठीक है नंबर है, तो ये दोनों एंगल स्मॉल है, ये दोनों एंगल स्मॉल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा है ना। एंगल स्मॉल इसलिए टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा लिख लिया। टेंजेंट बीटा मैंने बताया था ये बड़ी ट्रायंगल है, इसके में भी टेंजेंट बीटा बन रहा है और छोटी ट्रायंगल इसमें भी बीटा है, तो छोटे वाली ट्रायंगल लेते हैं। चलो लिख दो फिर, तो टेंजेंट बीटा इस छोटी ट्रायंगल से लेंगे, तो इस छोटी ट्रायंगल से ले लो फिर। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन में बेस बी डैश ई, तो ये है बी डैश ई। ठीक है, अपॉन में टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा लिख लेते हैं। टेंजेंट अल्फा इस ट्रायंगल से लेना है, इस ट्रायंगल से टेंजेंट अल्फा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ, तो ये ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ ऊपर चला गया बी डैश ओ। ठीक है ना, चलो देखो तो फिर टेंजेंट बीटा यहाँ से लिख लिया परपेंडिकुलर बाई बेस, टेंजेंट अल्फा इस ट्रायंगल से लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख लिया हमने, ए बी डैश ओ नीचे आना था तो फिर ऊपर चला गया ऐसे, इससे ये कट गया है ना, ये कट गया, क्या बच गया बी डैश ओ अपॉन में बी डैश ई, तो यहाँ से हमारे पास बच गया बी डैश ओ अपॉन में बी डैश ई। ठीक है, इतना बच गया। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं फिर। बी डैश ओ ये रहा बी डैश ओ, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो वी ओ है ना, ये डिस्टेंस वी ओ, और वी ओ की वैल्यू, इस वी ओ की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं देखो फिर, इस वी ओ की वैल्यू हम ऐसे पुट कर सकते हैं, कल हमने ये पढ़ा था वहां से देखो, देखो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज बनी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल लाइट रे जाएंगी पैरेलल, तो ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो लाइट रे पैरेलल आएंगी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट रे पैरेलल आएंगी। ठीक है, पैरेलल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस भी रखा है तो लाइट रे पैरेलल जा रही है, और उसमें क्या है, उसमें इससे जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। यहाँ पे देखो, उसमें तो क्या था, पीछे वाले में ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था तो पैरेलल लाइट रे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है तो इसकी इमेज फोकस पे बनेगी, पैरेलल लाइट रे आ रही है तो इमेज फोकस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो लाइट रे पैरेलल जाएंगी, और पैरेलल लाइट रहेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगी। इसका मतलब जो भी ये इमेज बनी है ना, इसके फोकस पे है, तो इसके फोकस पे है तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल है। ये इमेज कहाँ पे बनी है, फोकस किसका, फोकस इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये फोकल लेंथ के इक्वल है, तो ये फोकल लेंथ के इक्वल है। ठीक है, पैरेलल लाइट जब भी आएंगी इन्फिनिटी से आएंगी तो ये फोकस पे इमेज बनाएंगी, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो बी डैश ओ को हम एफ ओ लिख सकते हैं, तो बी डैश ओ को हम एफ ओ लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरफ का डिस्टेंस है तो पॉजिटिव। ठीक है, बी डैश ई और देख लो क्या है, बी डैश ई ये रहा बी डैश ई, और बी डैश ई तो ये डिस्टेंस है यू ई, ये इस लेंस से इधर है, इस लेंस से इधर, इसलिए नेगेटिव, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई माइनस यू ई, माइनस यू ई। ठीक है, तो इतनी आ गई हमारी मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम, तो टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन जब इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बनेगी तो इतनी आएगी, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं देखो, इस पे थिन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, इस पे थिन लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमने यू ई को हटाना है यहाँ से, यू ई, यू ई, ई का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई पी से, तो इस आई पी से पे थिन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं,
तो थिन लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो थिन लेंस फॉर्मूला तो ये होता है इसके लिए ही, आईपीस के लिए, तो आईपीस के लिए है, आईपीस के लिए, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी है, इस आईपीस ने इमेज कहाँ पे बनाई है, डी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे डी पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इससे इधर बनाई है तो माइनस का, इससे इधर बनाया तो माइनस का, तो वन अपॉन में माइनस का डी है ना, इसकी वैल्यू माइनस की डी। और ऑब्जेक्ट भी इससे इधर ही रखा है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव है तो माइनस, और ये वैल्यू भी नेगेटिव है माइनस का यूई, और इसकी फोकल लेंथ है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका फोकस इधर बनेगा, वो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये प्लस का रहेगा, तो ये इतना आ गया वन बाई एफ ई के इक्वल में इतना। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वन अपॉन में यूई की वैल्यू चाहिए, ये रहा वन अपॉन में यूई, इसकी वैल्यू चाहिए। इधर देखो ये क्या आ गया हमारे पास, वन बाई एफ ई इज इक्वल टू ए माइनस वन बाई डी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस का वन बाई यूई, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। सर प्लीज अनम्यूट, यहाँ पे वन बाई यू ई की वैल्यू पुट करनी है, तो वन बाई यू ई की वैल्यू पुट करनी, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो देखो इसको इधर ले जाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको, ये मैग्निफिकेशन, ये एफ ओ, और साथ में माइनस है ना, तो माइनस भी साथ में रखते हैं, इसके साथ माइनस है, वन बाई यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, वन बाई यू की वैल्यू इसको इधर ले जाओ, तो वन चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे, इतना आ गया हमारा, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। मैग्निफिकेशन इतनी आ गई, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी, इतना आ गया। इसमें से हम एफ ई को बाहर निकालेंगे, एफ ई को बाहर निकालेंगे, और बाहर तभी निकाल सकते हैं जब दोनों के अंदर हो, ठीक है ना, तो बाहर निकाल लेंगे। चलो देखो फिर एफ ई को बाहर निकाल लो, तो नीचे एफ ई बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया वन, यहाँ पे तो एफ ई है ही नहीं, और यहाँ पे एफ ई नहीं है, तो एफ ई से मल्टीप्लाई करो, एफ ई से डिवाइड करो, तो ऊपर किया एफ ई से मल्टीप्लाई, और नीचे किया एफ ई से डिवाइड, और डिवाइड किया था वो बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया बाहर, तो नीचे डी बच गया।